हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज मैं करवाने वाला हूँ आपको शिव खोड़ी की संपूर्ण यात्रा। शिव खोड़ी यानी कि शिव गुफा, और शिव गुफा का निर्माण शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से किया था। मैं अभी हूँ भारत का स्वर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में। 80 किलोमीटर की ये जर्नी आपके दिल दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर लिखना बम बम बोले। कटरा से शिव खोड़ी जाने के लिए आपको प्राइवेट बसों की सुविधा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मिल जाएगी, जिसमें आपको पर मेंबर 250 रुपये लगेंगे अप डाउन। कटरा से शिव खोड़ी जाने के लिए आपको एक शाम पहले ही बुकिंग करना पड़ेगा लक्ष्मी ट्रैवल्स और मून लाइट ट्रैवल्स। मैंने बुक किया मून लाइट ट्रैवल्स, तो मैं निकल चुका हूँ अपने पूरे परिवार के साथ शिव खोड़ी के लिए। हमारा ये सफ़र 80 किलोमीटर का होने वाला है। माता के दर्शन के बाद अगर आप शिव खोड़ी की यात्रा मिस कर देते हैं तो आप बहुत बड़े अनलक्की हैं। मेरे सामने है अभी त्रिकुटा पहाड़। माता के दर्शन के बाद हम लोग निकल चुके हैं शिव खोड़ी की यात्रा के लिए, और यहाँ की कुछ अलग ही वाइब्स हैं। हमारा जो पहला स्टॉप होने वाला है वह नवदुर्गा का होने वाला है। रास्ते में 30 मिनट के लिए बस रोका जाता है नवदुर्गा के दर्शन के लिए। माता के दर्शन के बाद हमारा ये सफ़र शुरू होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सफ़र इतना खूबसूरत है, बाहर के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप नज़र हटा नहीं पाएंगे। अगर आप नेचर लवर हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे, और काश कि मैं आपको ये दिखा पाता कि आंखों से इस नज़ारे को महसूस करना और रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत फ़र्क होता है। मेरे सामने है अभी चिनाब रिवर, जो बहुत खूबसूरत है। चिनाब रिवर में रिवर राफ्टिंग किया जाता है। रास्ते पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूं और क्या छोड़ दूं। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। रास्ते भर आपको पहाड़, रिवर, बादल और इतने खतरनाक टर्निंग पॉइंट कि लोग डर जाते थे। खाना खाने के लिए बस को एक ढाबे पे रोका जाता है करीब 30 मिनट्स के लिए। आपको टोकन लेना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और नाश्ता मिलेगा। और वहाँ पे एक टोकन लेने के बाद आप कुछ भी वहाँ से खा पी सकते हैं। इस जगह का नाम धनुआ है। ये जगह आपको किसी एडवेंचरस मूवी की लोकेशन से कम नहीं लगेगी, तो मैं
आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। खाना खाने के बाद अब हम चलते हैं। नज़र हटाने से नहीं हट रहे थे, ये नज़ारे इतने खूबसूरत है, लफ्जों में बयां करना मुश्किल है और उतने ही ज़्यादा खतरनाक। मेरे एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ नदी। ड्राइवर करीब 5 या 10 की स्पीड से इस जगह को क्रॉस कर रहा था। बस थोड़ी देर में मैं सीखोड़ी के बस स्टैंड पे पहुंचने वाला हूँ। फाइनली मैं सीखोड़ी की पावन धरती पे उतर गया अपने परिवार के साथ और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी करना होगा जिसका रेंट पर मेंबर 20 रुपीज़ है, जो हमें रंसू गांव तक ले जाएगी और हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी। गाइस मैं अभी सीखोड़ी बस स्टैंड पे हूँ और यहाँ से हमें एक छोटा सा गाड़ी है, क्या नाम है इसका, हो सकता है कि टाटा एसी जैसा है, उसको पकड़ के जाना होगा। यहाँ से 3-7 किलोमीटर है, हम लोग अभी वही कहीं पर हैं, कैसा होगा वहाँ से बताते हैं। तो मैं अभी रंसी गांव के मार्केट में हूँ। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद सीखोड़ी की यात्रा ये स्टार्ट होगी। भाई एक कहावत है ना, दुनिया जाए पहाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। ये सच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और दिल को खुश कर रहे हैं। और ये मेरा भतीजा, सॉरी भागना, बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म वेलकम सीखोड़ी केव। मेरे सामने है बस 100 मीटर की दूरी पर सीखोड़ी का गेट और ये छोटा सा ब्रिज। और ये नज़ारे जो आप कभी ना भूलने वाले। और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। और यहाँ से अब हमारी यात्रा स्टार्ट होने में बस थोड़ी ही देर बाकी है और ये हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। हमारी ये यात्रा करीब 3 या 4 किलोमीटर का पैदल होने वाला है। आप चाहे तो घोड़े से भी जा सकते हैं। अप डाउन 500 चार्ज करेंगे। बड़े मामे जय भोले की, जय भोले भंडारी, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय बोल बम बोल बम बोल बम बम बोले बम बम बोले बम बोले। रास्ते भर आपको बड़े बड़े पहाड़ और साइड में ये छोटी सी रिवर, ये नज़ारे इतने खूबसूरत कि मानो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई। बॉडी थक जाएगा पर मन नहीं थकेगा, मानो शिव शंकर आपको शक्ति दे रहे हो चलने के लिए।
मैया पार्वती की जय। अब यहाँ से शिवखोड़ी गुफा बस 1 किलोमीटर बचा हुआ है। चलिए मैं आपको शिवखोड़ी का मतलब बताता हूँ। खोड़ी का मतलब होता है गुफा और शिव का मतलब होता है हमारे भोलेनाथ। इन दोनों शब्दों को मिला के इस जगह का नाम रखा गया है शिवखोड़ी। इसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे शंकर भगवान बहुत जल्दी किसी पे भी प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। जब उन्होंने वरदान दिया था भस्मासुर को, तो भस्मासुर उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर भोलेनाथ को ही भस्म करना चाहा। तब जाके भगवान शिव शंकर ने शिवालिक पर्वतमाला में अपने त्रिशूल से इस गुफा का निर्माण किया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को अपनी चतुराई से भस्म किया था। 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान शंकर की पूजा की। तब से भगवान शंकर अर्धनारेश्वर के रूप में भी जाने जाते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद आपको श्री राम का मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पर जाए और दर्शन जरूर करें। जय श्री राम। क्योंकि हिंदू धर्म में एक खासियत है, जितने भी देवी देवता हैं सबको पहाड़ों में रहना पसंद है, उनको पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप सबको मेहनत करना ही होगा उनको पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। हर महादेव। अगर आप लोग भी आते हो तो देखी देखा पुण्य करना, लेकिन देखी देखा यात्रा कभी मत करना। अब हम आगे दिखाते हैं, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले को पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसलिए जोर जोर से सांसें लेना बंद करो और मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। और अब आ गया है सीढ़ियों का रास्ता, जिससे गुफा के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी ही दूरी पे है शिवखोड़ी की गुफा। यहाँ चढ़ाने के लिए गंगा जल, बेलपत्र और पूजा सामग्री मिल जाएगी। दर्शन करने से पहले आपको लॉकर रूम में सब कुछ जमा देना होगा, जैसे बैग, बेल्ट या जो कुछ भी आपके पास हो वो आपको जमा करना होगा। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हमें थोड़ा देर इंतज़ार करना होगा, उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया। इस बात का खेद है कि हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, वो डिपॉजिट काउंटर पे जमा हो गया। लेकिन आप जब भी यहाँ पे आते हो तो यहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही दिल को सुकून करने कर देने वाला नज़ारा है, जो कि हम आपको कह दें कि बहुत ही दिल को सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि हमको हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आप हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं कि हमको कितना सुकून मिला है। ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट और खूबसूरत एडवेंचर रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा ट्रिप किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आके आपको जो सुकून मिलेगा वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर आएँ और दर्शन करें। हर 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 महादेव। और यह सफ़र रुकने वाला नहीं है, मिलते हैं किसी और नए सफ़र में।